इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को उबाल लेते हैं। आलू को उबालने के लिए मैंने आलू को अच्छी तरीके से धो करके इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1 टीस्पून के जितना नमक। नमक डालने के बाद सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद हम इस आलू को चढ़ा देते हैं और 4 से 5 सीटी आने तक इसे उबाल लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकर में 5 सीटी लगने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। इसके सीटी को निकालना नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी हो, आपके पास टाइम ना हो इसके सीटी को रिलीज होने देने का, तो आप उससे उस समय क्या करें कि 8 से 10 सीटी मीडियम फ्लेम के ऊपर लगाने के बाद इसके सीटी को आप तुरंत निकाल कर रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो 5 सीटी लगाया है, इसलिए मैं इसके सीटी को अपने आप ही रिलीज होने दूँगी। कुकर का सीटी अच्छी तरीके से रिलीज हो गया हुआ है, तो चलिए हम इसे खोल देते हैं। खोलने के बाद इसके पानी को मैंने हटा दिया हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट में डालेंगे ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथ सहने लायक, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे हल्का ठंडा करके रेडी करना है। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे छील लेते हैं। बिल्कुल ठंडा होने के बाद जब हम इसे छीलते हैं और मैश करते हैं, तो ये इसका जो भरता बनता है, लसलसा, अलग तरीके का लसलसापन उसके अंदर आ जाता है। और जब हम इसे हल्का गर्म में ही मैश करते हैं, तब ये बहुत अच्छी तरीके से मैश होकर रेडी होता है। तो जब भी आप बनाएं भरता, तो इसे हल्का गर्म में ही मैश करके रेडी कर लें। सभी आलू को छीलने के बाद अब हम एक दलघुटनी ले लेंगे और सभी आलू को हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उसके साथ इसे मैश कर सकते हैं। आप इसे हाथ से भी मैश करके रेडी कर सकते हैं, लेकिन ये हल्का गर्म है तो हाथ जलने का चांस रहता है, इसीलिए आप जब भी इसे मैश करें, किसी न किसी चीज़ की हेल्प से ही इसे मैश करें। मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश करके रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसका रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चोखा की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पैन में लगभग 1 टेबल स्पून तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी मंगरेला। सेम क्वांटिटी में हम डालेंगे अजवाइन। मंगरेला और अजवाइन के क्रैकल होने के बाद डाल देंगे हम 1 कटी हुई हरी मिर्च। साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज का प्याज। जब हल्का सा फ्राई हो जाए, इसे अब डालेंगे हम 1 मीडियम साइज का टमाटर। टमाटर डालने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे टमाटर के अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरीके से मैश हो जा रहा है, ये अच्छी तरीके से पक गया हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का आलू, जिसको मैंने मैश करके रेडी किया था। इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद डालेंगे धनिया का पत्ता। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे सर्व कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस
तरह मैंने पहले आलू के भरता की रेसिपी को पूरा कर लिया है। प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, बनाने में बिल्कुल आसान होता है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए हम उसी पैन के अंदर डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून तेल, सरसों का तेल है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून राई और 1 टीस्पून उड़द दाल। साथ ही हम डालेंगे करी पत्ता। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम डालेंगे इसमें 1 हरी मिर्च कटी हुई बारीक और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। साथ ही हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अब हम इन सभी चीज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को भूनते समय गैस का फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए ताकि प्याज जले नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए अब हम प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर। इसे मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे, ढक के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया हुआ है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं लगभग 1 टेबल स्पून के जितना सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने के बाद हम इसे पहले एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ में। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, इसे लो फ्लेम के ही ऊपर रखना है मसाला को भूनते समय या टमाटर को कुक करते समय। टमाटर को अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का मैश किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद हम गैस के फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 मिनट तक भून के रेडी कर लेंगे। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया का पत्ता। इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी एक बाउल में सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने आलू के भरता की दूसरी रेसिपी को भी पूरा कर लिया है। तो चलिए हम इसे भी साइड में रख देते हैं और तीसरी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तीसरी रेसिपी को बनाने के लिए हम सेम पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, सरसों का तेल ही है। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज, 1 हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रेडी किया है। तो चलिए हम सभी चीज़ों को एक साथ ही डाल देते हैं। अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च को डालने के बाद हमने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है। लो फ्लेम के ऊपर इसे लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी करेंगे। मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन भून कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़े साइज़ का आलू। आलू डालने के बाद स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो है, इसे लो ही रखना है, हाई या मीडियम नहीं करना है, नहीं तो प्याज जो है जल जाएगा। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुनने के बाद डालेंगे धनिया का पत्ता और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। धनिया का पत्ता डालने के बाद 1/2 मिनट तक और भून लिया है। भूनने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी एक बाउल में सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने तीसरी आलू भरता की रेसिपी को भी पूरा कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं और चौथी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चौथी रेसिपी को बनाने के लिए हम फिर से उसी पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने छील कर रेडी कर लिया हुआ है।
इसे हम अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर लहसुन जब 90% तक कुक हो जाए या अच्छी तरीके से पक जाए 90% तक, तब हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च। मिर्च को भी हम अच्छी तरीके से क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे लहसुन के साथ में बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। सूखी लाल मिर्च जब फ्राई होकर के क्रंची हो जाए और लहसुन भी 100% तक कुक हो जाए, तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब लहसुन और मिर्ची हल्का सा ठंडा हो जाए, तब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे, डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे पुराना आम के अचार का मसाला। आप देख सकते हैं कितना डाल रही हूँ मैं, ये आम का अचार है, बहुत पुराना है ये। तो चलिए हम इसमें से डाल देते हैं। आप कोई सा भी आम के अचार का मसाला ले सकते हैं। हम इसे अचारी आलू का भरता बनाकर रेडी कर रहे हैं, इसलिए आम का अचार का मसाला होना ज़रूरी है। तो चलिए हम सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं नमक के साथ में। आप देख सकते हैं सूखी लाल मिर्च जो है कितनी अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हुई है। इसी तरीके से फ्राई करके रेडी करना है, इससे टेस्ट इसका बहुत बढ़िया उतर के आता है। इसे हाथ से ही अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी करना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया हुआ है। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं 2 बड़े साइज़ का आलू उबला हुआ, जिसको मैंने मैश करके रेडी कर लिया था पहले ही। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मसालों के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी होता है। इसमें से जितने भी मैंने आलू के भरता की रेसिपी को बनाया है वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। प्लीज़ इसमें से कोई सा भी एक रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे आप। आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी और बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता डालने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब चलिए हम इसे भी एक बाउल के अंदर सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने चौथी आलू के भरता की रेसिपी को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब 5वीं रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 5वीं रेसिपी को बनाने के लिए हम दोबारा से गैस को ऑन करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर और इसे अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। हम इसे अलट पलट करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेंगे अच्छी तरीके से। टमाटर जब अच्छी तरीके से कुक हो जाए, तब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। टमाटर जब ठंडा हो जाए, तब हम इसे छील कर रेडी कर लेंगे। टमाटर को छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। टमाटर का जो हार्ड वाला पार्ट होता है इसे हमें नहीं रखना है, इसे कट करके साइड कर देना है। टमाटर को कट करने के बाद डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, 1 कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ, बारीक कटा हुआ है ये, 2 टेबल स्पून धनिया की पत्ती। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल डालना है, इसे गर्म नहीं करना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद डालेंगे मैश किया हुआ 1 बड़े साइज़ का आलू, जिसको मैंने पहले ही मैश करके रख लिया हुआ था। अब हम आलू को डालने के बाद अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे। जितना अच्छी तरीके से इसे मिक्स करके रेडी करेंगे उतना ही इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे भी बाउल में सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने 5वीं आलू के भरता की रेसिपी को भी बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम सभी रेसिपी को एक साथ में सर्व कर देते हैं।
मैंने पांचों आलू के चोखा की रेसिपी को सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जब कभी भी सब्जी बनाने का मन ना करे तो सिंपल तरीके से दाल चावल बना लें और दाल के अंदर ही आलू डाल दें। आलू अच्छी तरीके से जब उबल जाए तो आप इसमें से कोई सा भी एक रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कर लेंगे। इसमें से जो मैंने चोखा बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई भी एक बना के ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे रिक्वेस्ट पर कोई भी एक रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे।